बोली बाय के ए अब्बास चैप्टर एक्सप्लेनेशन। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 बोली की एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले पेजेस के एक्सप्लेनेशन हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, तो आज इस पेज से स्टार्ट करते हैं। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक। भोली को बिल्कुल भी नहीं पता था एक स्कूल कैसा होता है, ठीक है, एंड व्हाट हैपेंड देयर और उधर होता क्या है उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन वो खुश थी कि उसे अपनी उम्र की लड़कियां देखने को मिली। कहाँ? स्कूल में। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। और उसने ये भी चाहा कि इनमें से कोई ना कोई लड़की उसकी दोस्त बन जाए। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। जो लेडी टीचर क्लास में आई थी वो बाकी लड़कियों को कुछ बोल रही थी लेकिन भोली कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। दीवारों पर कुछ पिक्चर्स लगी थी, भोली उन पिक्चर्स की ओर देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। वो कलर्स देख के वो कलर्स उसे लुभा रहे थे, मतलब अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। हॉर्स क्या था? ब्राउन था। किसकी तरह ब्राउन था? उस हॉर्स की तरह जिसके ऊपर तहसीलदार उनके गांव में आए थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। और उनके जैसे नेबर मतलब पड़ोसी की जो गोट है वो ब्लैक कलर की है और वैसी गोट की ड्रॉइंग वहां पर बन रही थी। द पैरट वॉज ग्रीन। तोता कैसे था? लाल रंग का। लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। जो मैंगो के ऑर्चर्ड मतलब ट्री पर मैंगो के ट्री पर उसने पैरट्स को देखा था तो वैसे ही लग रहे थे वो पैरट्स भी, ठीक है। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक द लक्ष्मी। और जो उनका उनके भोली के काउ का नाम क्या था? लक्ष्मी। और जिस काउ की पिक्चर दीवार पर टंगी थी, चार्ट पे जो काउ बनाया हुआ था वो भी उन्हीं के काउ की तरह दिख रहा था। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और भोली ने देखा कि टीचर उसके सामने ही खड़ी है और उस पे उसको देखकर स्माइल करिए, मतलब हंस नहीं रही है, स्माइल करिए। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? तुम्हारा नाम क्या है? और वो स्टैमर करना शुरू कर दीजिए। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। देन शी बिगन टू क्राई। वो रोने बैठ गई और आंसू उसकी आंखों से निकलने लगे। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन अ कॉर्नर। और उसने अपना सर नीचे कर लिया और किसी भी लड़की को वो आंखें मिलाकर देख नहीं पा रही थी, ठीक है, उसे इतनी शर्म आ गई थी। शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। बाकी लड़कियां उस पर हंस रही थी। वेन द स्कूल बेल रैंग। जैसे स्कूल की बेल बजी ऑल द गर्ल्स करीड मतलब रश्ड तेजी से क्लासरूम के बाहर भाग गए। बट भोली डेड नॉट लीव हर कॉर्नर। लेकिन भोली ने अपना कोना पकड़ के रखा, हिली भी नहीं वहीं से। हर हेड स्टिल लोअर्ड। अब उसका सर अभी भी कम है। शी केप्ट ऑन नीचे है। अभी भी उसका सर का है नीचे है, नीचे मतलब अपने सर को नहीं उठा रही है वो, ठीक है। शी केप्ट ऑन सॉबिंग। सॉबिंग मतलब वो अभी भी रो रही है। भोली, ये किसने बोला? टीचर ने। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। सूदिंग मतलब काम। बहुत ही प्यारी आवाज में टीचर ने भोली का नाम लिया। इन ऑल अर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। किसी ने भी उसे इतने प्यार से नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट। टीचर के इतने प्यारे वर्ड्स ने, इतने प्यार से बात करने की वजह से भोली के दिल को छू ली, मतलब टीचर ने जितने प्यार से उसका नाम लिया उस बात ने, ठीक है। गेट अप। टीचर ने क्या बोला? खड़ी उठो, सेड द टीचर। इट वॉज नॉट अ कमांड, एक ऑर्डर नहीं दिया था लेकिन टीचर ने बहुत ही प्यार से सजेशन करा था। भोली गॉट अप। भोली खड़ी उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम। अब अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक। स्वेट मतलब पसीना आने लगा किसको? भोली को, डर के मारे। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। क्या उसकी स्टैमरिंग टंग मतलब उसकी क्या उसकी गलत बोलो। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, इस प्यारी औरत के लिए, प्यारी औरत कौन? टीचर के लिए। हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। भोली ने सोचा कि एक बार एफर्ट करके देख लेती हूँ, एक बार अपना नाम बोल के देख लेती हूँ। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस। उसकी टीचर की बहुत ही प्यारी आवाज थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर। वो उसके ऊपर नहीं हंसेगी, ठीक है। तो भोली भी स्टैमर करने लगी। शी बिगैन टू स्टैमर। उसने दोबारा स्टैमरिंग शुरू कर दी। वेल डन द टीचर एनकरेज हर। टीचर ने उसे इंस्पायर करा। कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब पूरा नाम बोलो। तो कैसे ना कैसे करके उसने भोली बोली दिया। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। और लास्ट में जब उसने पूरा नाम बोल दिया तो वो थोड़ा रिलीव हो गई, स्ट्रेस फ्री हो गई और उसे ऐसे लग रहा था कि उसने कोई बड़ी चीज अचीव कर ली हो, ठीक है। वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली। टीचर ने उसे प्यार से पैट करा, मतलब हल्के से उसके ऊपर हाथ फहराया, बहुत बढ़िया। एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट। डर को अपने दिल से बाहर निकाल कर फेंक दो। यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। तुम बाकी लड़कियों की तरह ही बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क। भोली ने उसकी तरफ ऊपर देखा, कुछ पूछा नहीं पर ऐसे लग रहा था कि भोली अभी पूछने वाली है। रियली, क्या सच में ऐसा हो सकता है? यस यस इट विल बी वेरी इजी। हाँ, बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तुम बस रोज स्कूल आना। ये कॉल मिलता है, टीचर बोलती है भोली की। विल यू कम? क्या तुम आओगी? भोली ने नोट करा, सर हिलाते हुए बोला। नो, से इट लाउड, जोर से बोलो। तो भोली इस बार बोल पाई जल्दी से, यस। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड। और भोली इस बार खुद सरप्राइज हो गई, खुद चौंक गई कि उसने इतने अच्छे से कैसे बोलिया। डिडंट आई टेल यू? क्या मैंने तुम्हें बोला नहीं था? तो अब
मैंने तुम्हें बोला नहीं था, ये किसने बोला? टीचर ने बोला, ठीक है, नाउ टेक दिस बुक, अब इस किताब को ले जाओ। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, बुक में बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चर्स थी, और पिक्चर्स सारी कलर में थी, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर और काउ थी, बिल्कुल लक्ष्मी की तरह। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और काले शब्दों में, बड़े बड़े काले शब्दों में उनके नाम लिखे थे। इन वन मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में तुम इस किताब को पढ़ लोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी, फिर उसके बाद इससे बड़ी बुक। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनी वन एल्स इन द विलेज, तुम गाँव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी व्यक्ति बन जाओगी, ठीक है। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब कोई भी तुम्हारे ऊपर हंसने की गलती नहीं करेगा। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्लैवर स्टैमर स्टैमर, ठीक है। और तुम बिना क्या स्लाइटेस्ट मतलब लिटिल मतलब स्टैमर तुम करोगी नहीं, हकलाओगी बिल्कुल भी नहीं, अंडरस्टैंड, तुम समझ गई। नाउ गो होम, अब घर जाओ और कल दोबारा आना, ठीक है। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, भोली को ऐसा लग रहा था कि विलेज टेम्पल में सारी बेल्स सारी घंटियां खुद ही बज रही हैं। जो भोली के स्कूल के सामने जो ट्री है उसकी जो मतलब फूल हैं वो पेड़ों से गिर रहे हैं, ठीक है, डालियों से गिर रहे हैं, बड़े बड़े रेड फ्लावर्स नीचे गिर रहे हैं, मतलब बहुत खुश थी, ठीक है। और भोली का दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था, ठीक है, विद अ न्यू होप, और भोली के मन में क्या थी, आशा थी कि उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। दस द ईयर्स पास्ड, ईयर्स पास होते गए, साल बीतते गए, अब जो विलेज था वो एक छोटा सा टाउन बन चुका था, और जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था अब हाई स्कूल बन चुका था। देर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, अब टिन शेड के नीचे एक सिनेमा भी आ चुका था, और एक कॉटन मिल भी आ चुकी थी, ठीक है। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, उनके रेलवे स्टेशन पर मेल की ट्रेन भी रुकती थी, मेल मतलब कोई चिट्ठी भेजता तो उसकी ट्रेन भी रुकती थी, ठीक है। वन नाइट आफ्टर डिनर, डिनर करने के बाद एक रात रामलाल ने अपनी बीवी से बोला, देन शैल एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या हम बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने क्या बोला, बिशंबर की रामलाल की वाइफ ने, हाँ कर लेते हैं। भोली विल बी लकी टू गेट सच वेल टू डू ब्राइडग्रूम, वेल टू डू मतलब वेल्दी, बहुत ही अमीर ब्राइडग्रूम मिला था भोली को, कौन, बिशंबर, ठीक है। अ बिग शॉप, उसकी एक बड़ी दुकान है, एक घर है खुद का, और बहुत पैसे भी है उसकी बैंक में, और वो किसी डाउरी के लिए भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वो इतना जवान नहीं है, और उसकी उम्र तो मेरी जितनी ही है, और वो लिम्स, उसके पैरों में भी कुछ तकलीफ है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और जो उसकी पहली बीवी से उसके बच्चे हैं वो भी काफी ग्रो हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। वॉट डज इट मैटर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसने बोला, वाइफ ने बोला, किसकी वाइफ, रामलाल की वाइफ, जो क्या लगती है, भोली की मम्मी है। 45 साल का या 50 साल का हो, इट इज नो ग्रेट एज फॉर मैन, ये उतनी ज्यादा बड़ी उम्र भी नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, वो लकी है, हम लकी है कि वो दूसरे गांव से, और उसे पता नहीं है भोली के पॉक मार्क्स के बारे में और भोली के लैक ऑफ सेंस के बारे में। लैक ऑफ सेंस मतलब वो उसका थोड़ा दिमाग भी खराब, दिमाग में खराबी है भोली के, ठीक है। If we don't accept this proposal, अगर हम इस proposal को accept नहीं करेंगे, she may remain unmarried all her life, वो पूरी जिंदगी unmarried ही रहेगी, शादीशुदा नहीं बन पाएगी। Yes, but I wonder what Bholi will say, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि Bholi क्या कहेगी। किसने बोला, रामलाल ने। What will that witless one say, witless मतलब जिसके अंदर कोई चालाकी नहीं होती, she is like a dumb cow, वो एक बेवकूफ गाय की तरह है। किसने बोला, Bholi की माँ ने। Maybe you are right, शायद तुम सही हो, रामलाल ने हल्के में बोला। In the other corner of the courtyard, courtyard मतलब court, और थोड़ी दूरी पर भोली सो रही थी, ठीक है, अपनी खटिया पर, और वो अपनी पेरेंट की कॉन्वर्सेशन बातों के बारे में सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, क्या था, सब्जी बेचने वाला था बिशंबर नाथ। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आया, ठीक है, शादी में। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, एक बैंड था, ठीक है, वो इंडियन फिल्म की एक ट्यून बजा रहा था, प्ले कर रहा था। With the bridegroom riding a decorated horse, मतलब शादी का सीन दिखाया जा रहा है, और जो बिशंबर है वो एक सजे हुए घोड़े के ऊपर बैठकर आ रहा है। रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor, रामलाल बहुत ही खुश हो गए कि उसकी बेटी की शादी इतने धूमधाम से हो रही है। He had never dreamt that his fourth daughter, उसे कभी नहीं लगा था कि उसकी चौथी बेटी मतलब भोली की इतनी मतलब बड़े पैमाने पर शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर, भोली की जो बड़ी बहन है जो शादी में आई थी, वो एनवीएस थी, मतलब जेलस थी कि इसका इतना अच्छा लक कैसे हो गया, ठीक है। When the auspicious moment came, the priest said, पंडित जी ने क्या बोला, bring the bride, भोली को लेकर आओ, दुल्हन को लेकर आओ। भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली ने लाल कलर की ड्रेस पहनी थी। Was led to bride's place near the sacred fire, sacred मतलब blessed fire, जो यज्ञ की आग होती है उसके पास भोली को लाया गया।
गार्ल एंड द ब्राइड, आप क्या बोला? माला पहनाओ किसको? दुल्हन को माला पहनाओ किसको बोला? वर को बोला, मतलब बिशंबर नाथ को बोला. वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ, द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरी गोल्ड्स. येलो मैरी गोल्ड्स किसका नाम है? फ्लास का नाम है. अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वील फ्रॉम द ब्राइड फेस, भोले के चेहरे से उस एक लड़की ने क्या है, घूंघट हटा दिया. बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, बिशंबर ने जल्दी से देख लिया. द गार्लैंड रिमेंड पॉइज, गार्लैंड वैसा ही रहा उसके हाथ में, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो रुक गया. द ब्राइड मतलब भोली की बात की जा रही है, ब्राइड मतलब दुल्हन, भोली ने अपना जो घूंघट है वो वापस नीचे कर लिया. हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा? बिशंबर ने अपने दोस्त से पूछा. तो उसके दोस्त ने क्या बोला? शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स है, ठीक है. सो वॉट, तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी इतने जवान हो. मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मुझे उससे शादी करनी है तो उसके पापा को मुझे 5,000 रुपये देने चाहिए. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल गया और अपनी टर्बन मतलब पगड़ी उसने बिशंबर के कदमों में रख दी. डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, प्लीज मेरी मुझे ऐसे बेइज्जत मत कीजिए, 2,000 रुपये मेरे पास बोले जाइए. नो 5,000 और वी गो बैक, 5,000 लेंगे या फिर वापस चल जाएंगे. कीप योर डॉटर, अपनी बेटी अपने पास रखो. बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, थोड़ा सा सोचे हमारे बारे में भी. इफ यू गो बैक, अगर तुम वापस चल जाओगे तो मैं किसी को भी गांव में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा. देन आउट विथ 5,000, तो फिर 5,000 लेकर आओ. टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, चेहरे से उसके आंसू बह रहे थे. रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया, उसने सेफ खोला, नोट्स को काउंट करा और बंडल ऑफ नोट्स को विशंबरनाथ के पैरों पर